तो देखिए आज मैंने बनाया है ये डोरमैट। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। ये मैंने जूट की पूरी आती है उनमें से बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से यानी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये डोरमैट बना के दिखाऊंगी। ये मैं जूट की जो बोरी आती है उनमें से बना के दिखा रही हूँ। गेहूँ चावल जो आते हैं उनकी जो बोरियाँ होती हैं उनसे आपको मैं बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए ये मैंने एक पत्ती टाइप में कैरी बैग कट किया है, तो इसी की नाप की हम पत्तियाँ कट करेंगे। देखिए इस तरीके से, इसी की नाप की कट करेंगे। तो देखिए एक मैंने पत्ती कट कर ली है, ऐसे ही बाकी पत्तियों को भी कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये 8 कली कट की है और ये मैंने थोड़ा बड़ा गोला कट किया है और फिर इससे छोटा गोला कट किया है। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए हम कपड़ा कट करेंगे। तो देखिए मैंने ये 3-3 पट्टी यानी 3-3 इंची की ये पट्टी कट की है, देखो। तो अब हम क्या करेंगे, एक पट्टी लेंगे, कोई भी पुराना कपड़ा हो आप उसमें से ये पट्टियां कट कर सकती हैं। तो अब हम इसे डबल रखेंगे, ये मैंने डबल किया है और इसकी किनारी पे इस तरीके से मशीन लगा लेंगे, इसकी किनारी किनारी पे। देखिए मैंने ये डबल पट्टी रखी है और इस तरीके से मैंने ये आरपिन ली है, जैसे ही इस पे सिलाई करनी है ये देखिए। अब इसे हम सीधा करेंगे और इधर की साइड में ऐसे किनारी बना लेंगे सीधी तरफ। तो ऐसे ही सभी पट्टियों को हमें रेडी करना है, यानी किनारी सभी पट्टियों पे रखनी है। सभी की किनारियों को पट्टियों से सेट कर लेते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये मैंने सभी को तैयार कर लिया है। तो देखिए ये मैंने उल्टा रखा है इधर की साइड में, इस तरीके से इस पे किनारी को रखते जाएंगे और इसे हम सिल लेंगे। देखो इसी तरीके से सिलना है हमें, जैसे कि मैं रख रही हूँ। सभी को रख लेते हैं पहले, देखो अब ऐसे हमें सिलना है। इसके ऊपर अभी एक और लगाएंगे, तो पहले इसे सिल लेते हैं, उसके बाद में जैसे मैंने ये रखी हैं कलियां वैसे ही सिलना है। देखिए इस तरीके से सिलना है हमें। तो देखिए ऐसे ही सभी कलियों को हम सिल लेंगे। तो देखिए सभी कलियों को मैंने सिल लिया है और इसमें नॉट भी लगा दी है। तो धागे को कट कर देते हैं। अब इसके ऊपर के लिए सिलने के लिए इस तरीके से देखो एक कागज का टुकड़ा लेंगे और गोल आकार में इस इतना ही बड़ा कट करेंगे। तो मैंने ये कट कर लिया है। अब इसके नाप का हम कपड़े का कपड़ा कट करेंगे। तो देखिए मैंने ये डबल कपड़ा कट किया है, देखो। अब इसकी किनारी किनारी को हम सिल लेंगे पहले और फिर इसे सीधा कर लेंगे। तो पहले हम सिल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने सारी तरफ सिलाई की है, बस यहाँ पे नहीं की है क्योंकि इसे सीधा करने के लिए। तो पहले से हम सीधा करेंगे। देखिए इसे मैंने सीधा कर लिया है, इसे भी अंदर की तरफ ऐसे मोड़कर इस पर भी सिलाई कर देते हैं। अब इसे इस डोरमैट के साथ अटैच कर देते हैं, यानी इसकी भी सिलाई कर देते हैं। तो
तो देखिए मैंने ये रेड कलर का कपड़ा इसमें अटैच कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे भी यहाँ सिल सकती हैं, मगर मैं ऐसा ही रखना चाहती हूँ। मैंने ये छोटा वाला गोला किया था, उसे नहीं यूज किया इसमें। अगर आप चाहें तो इसमें इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर सकती हैं, मगर मेरा ये डोरमैट सिल के और बन के अच्छी तरह से ये तैयार है। आप किधर किस किधर से भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे इधर से और चाहे इधर से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।